बड़ी खबर फिर भूपेंद्र यादव बने रहेंगे पर्यावरण मंत्री। राममोहन नायडू टीडीपी के सांसद हैं, बहुत कम उम्र के सांसद हैं, इनको सिविल एविएशन दिया गया है। जो विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया देख रहे थे वो विभाग राममोहन नायडू को दिया गया है। तो एलाइज में तीन नाम आ चुके हैं हमारे सामने, चिराग पासवान को खेल मंत्रालय मिला है, जितना नाम जी एमएसएमई, और राममोहन नायडू सिविल एविएशन। और बाल विकास मिला है, अन्नपूर्णा देवी को बाल विकास और महिला एवं बाल विकास की भूमिका मिली है अन्नपूर्णा देवी को, और रवनीत बिट्टू को एमओएस माइनॉरिटी बनाया गया है। तो ये तीन नए नाम है आपके लिए, रिपीट कर देता हूं। भूपेंद्र यादव यहां एनवायरमेंट मिनिस्टर होंगे, राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे, अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और रवनीत बिट्टू को एमओएस माइनॉरिटी बनाया गया है। रवनीत बिट्टू पंजाब से आते हैं, चुनाव हार गए थे, बावजूद इसके मोदी कार्यकाल में तीसरे कार्यकाल में उनको एक भूमिका मिली है और उन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय का मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मिला है। तो ये चार बड़े नए नाम हमारे पास आ रहे हैं। अब लिस्ट लंबी होती जा रही है, देखिए बहुत सारे विभाग जो हैं वो आ चुके हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो स्मृति ईरानी के पास विभाग था वो अन्नपूर्णा देवी के पास होगा। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी हैं। हाँ, झारखंड के कोडरमा से सौरभ सांसद हैं वो, पिछले बार शिक्षा मंत्रालय में एमओएस थी, इस बार महिला बाल विकास मंत्री। कैबिनेट इनको एलिवेशन हुआ, कैबिनेट मिला है उनको, और महिला बाल विकास मंत्री। पवन के पास कुछ और विभाग हैं।